हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईसी एडुकॉम। और मैं हूँ श्वेता सिन्हा चौधरी। आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में एक कारपेट की किस तरह से हम मॉडलिंग कर सकते हैं वीरे में, वो शेयर करने जा रही हूँ। तो कारपेट की मॉडलिंग बहुत ही इजी है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एज पर द रिक्वायरमेंट साइज, रिक्वायर्ड साइज आप एक प्लेन क्रिएट कर लें। तो मैं यहाँ पर बेड के अराउंड एक रग प्लेस कर रही हूँ। तो मैंने अप्रॉक्सीमेट एक साइज का मैंने प्लेन बना लिया। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो भी आपको टेक्सचर देना है कारपेट का, तो उसका एक आप यहाँ पर गूगल में आप सर्च कर लीजिए उसका एक कोई भी टेक्सचर। तो जैसे कि मैं ले रही हूँ रख टेक्सचर सीनलेस, तो यहाँ पर आपको काफ़ी टाइप के टेक्सचर्स आपको नेट में मिल जाएगा। आपको जो भी टेक्सचर आपको पसंद है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो से मैं ये वाला टेक्सचर ये डाउनलोड करती हूँ, इट्स नॉट लुकिंग दैट गुड। तो से मैं ये वाला टेक्सचर ये डाउनलोड करती हूँ, तो इसको मैं सेव कर ले रही हूँ, सेव इमेज। चलिए फिलहाल मैं इसको यहाँ पर मटेरियल मेरा फोल्डर में मैं सेव कर रही हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मटेरियल स्लॉट में जाना है। मटेरियल स्लॉट में जाके आपको पहले आपका हमेशा बेस मटेरियल, यहाँ पर शायद मेरे स्लॉट्स पहले से फिल्ड है, मैं इनको रीसेट कर ले रही हूँ। ओके, अब पहले तो हम आपको बेस मटेरियल वीरे मटेरियल लेना है। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आप वीरे मटेरियल वीरे एमटीएल को दे दीजिए, और डिफ्यूज पे आप क्लिक करके, बिट मैप पे आप क्लिक करके जो भी टेक्सचर आपने डाउनलोड किया है उसको आप असाइन कर दीजिए। तो अब इसी प्लेन में हम इस टेक्सचर को असाइन कर देंगे, रीनेम कर देते हैं कार्पेट। अब इस टेक्सचर में आपको, जैसे कि हम जो भी टेक्सचर का स्केलिंग करते हैं यूवीडब्ल्यू मैप देके, तो आप सेम आप यूवीडब्ल्यू मैप देके आप इसको थोड़ा सा स्केलिंग कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा बेस में जो भी हमने टेक्सचर डालना था वो डाल दिया। अब हम जाएंगे यहाँ पर वीरे में। वीरे में आप जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है वीरे फर, तो आप प्लेन को बस सिलेक्ट करके रखिए और वीरे फर पे क्लिक कीजिए। तो जैसे आप वीरे फर पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि ये जो वीरे जो फर होता है वो ऑटोमेटिक इस प्लेन पे असाइन हो गया है। लेकिन आप अब देख सकते हैं इस फर का जो भी साइज है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका जो लेंथ है काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा लेंथ को एडजस्ट करना है। तो यहाँ से हम लोग लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लेंथ दिया 3। ओके, आप इसका थिकनेस को चेंज कर सकते हैं, इसका आपको यदि जितना भी आपको थिकनेस चाहिए। तो फिलहाल मैं थिकनेस को 0.2 ही रखती हूँ, क्योंकि फर के जो थिकनेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते नहीं हैं। तो मैं यहाँ पर लेंथ को मैंने थोड़ा सा कम किया, थिकनेस को मैंने एज इट इज़ रखा है। और यहाँ पर यदि आप देखते हैं, यदि मैं यहाँ पर फिलहाल इसको रेंडर करके यदि मैं देखती हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर फिलहाल जो रेंडरिंग जो हो रहा है उसमें जो भी फर है वो इसमें काफ़ी गैपिंग है, मतलब फर की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा नहीं लगेगी आपकी आपको। तो सरेंडर होने में काफ़ी टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरे दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी हैं, मैंने उसी अपने एग्जिस्टिंग फाइल पे मैं काम कर रही हूँ। तो इसको हम एक बार रेंडर करके बेटर रहेगा, मैं यदि रीजन रेंडर करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर की डेंसिटी बहुत कम है, बहुत ही डिस्टेंस में फर आ रहे हैं। तो इनके इनका आपको डेंसिटी को बढ़ाना होगा। तो डेंसिटी बढ़ाने के लिए चलिए इसको रेंडर, यदि हो रहा है तो इसको मैं कंप्लीट रेंडर कर लेती हूँ, उसके बाद जैसे हम रीजन रेंडर कर सकें।
तो यहाँ पर हम जब डेंसिटी को ज्यादा करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूशन पे जाइए और ये जो पर एरिया है, पर एरिया कितना आपका फर आपको असाइन करना है तो आपको वही यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देती हूँ क्योंकि हमारे कार्पेट में काफ़ी ज़्यादा फर होते हैं, तो मैं इसमें अराउंड 5 दे रही हूँ। अब यदि हम इसको रेंडर करके देखते हैं तो अब चलिए रीजन रेंडर करते हैं, जिससे इतने पोर्शन में हम रेंडर करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फर है अभी। लेकिन अभी जो फर का कलर जो है वो पूरा ब्लू में आ रहा है, लेकिन मुझे जो भी हमने कारपेट में टेक्सचर दिया है हमको वो टेक्सचर चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हमने जो मटेरियल यहाँ पर बेस में प्लेन पे असाइन किया था सेम मटेरियल हमको फर में भी असाइन करना है। तो ऑलरेडी फर सिलेक्टेड है, आपको कुछ नहीं करना है, बस मटेरियल लेना है और यहाँ पर आपको असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन करना है बस। अब आप यदि इसको रीजन करके देखते हैं तो यहाँ पर चलिए वापस मैं इस एरिया को रीजन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा रीजन हो गया है। तो अब पूरा रीजन पूरा एक बार रेंडरिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पर हमारा कारपेट रेडी है, बिल्कुल एक रियलिस्टिक लुक देता है। तो इसी तरह से बहुत ही इजीली हम कारपेट हम मैक्स वीरे में बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल बटन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। ओके, थैंक यू।